गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जूलॉजी में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें काफ़ी लोग हमें कमेंट किए थे कि सर हमको सेंट्रल डोगमा बताइए। तो हम कहे ठीक है, सेंट्रल डोगमा नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो आज हम ले आकर के आया हूँ आप सबके सामने, सेंट्रल डोगमा है क्या। तो सेंट्रल डोगमा में जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे कि डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करना और एमआरएनए को कन्वर्ट करना किसमें ले जाकर के हमारा इसमें पॉलीपेप्टाइड, ये एक प्रकार की हमारी प्रोटीन होती है पॉलीपेप्टाइड। तो जो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से यहाँ पे हम यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो किसको कन्वर्ट करता है और ट्रांसलेशन किसको कन्वर्ट करता है और रेप्लिकेशन का काम क्या होता है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो सेंट्रल डोगमा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से बिहेव करता है। इसमें सीधी सी बात है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा वाज गिवन, सबसे पहले इसको प्रपोज किसने किया था, F.H.C. क्रिक। ये वो भी कब किए थे, 1958 में किए थे। 1958 में इसको F.C.H. क्रिक ने इसको डिनोट किया था। अकॉर्डिंग टू द विच डीएनए ट्रांसफर, जब हमारे डीएनए ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए क्या होते हैं, इसको एमआरएनए जैसे कि मैसेंजर आरएनए हो जाता है। तो जब हमारा आरएनए जब ये कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल जो आरएनए होता है वो कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा, एमआरएनए, तो मैसेंजर आरएनए हो गया। इसके जैसे कि नाम क्या है, जैसे कि यहाँ देखिए हम यहाँ पे बताते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसको फॉर्म करता है, यानी कि एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड को। और एक नाम होता है जैसे कि ट्रांसलेशन हो गए। ट्रांसलेशन में क्या होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन कहने का मतलब होता है, इसमें सीधी सी बात मैं लिखा हूं, इसमें होते हैं कि यूनिट डायरेक्टर जो इसका डायरेक्शन होता है वो, यानी कि एक ही फ्लो में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है, एक ही फ्लो में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन SL इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यही मेन इसकी परिभाषा होती है, सेंट्रल डोगमा की मेरी मेरी डेफिनेशन क्या होती है, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ सेल इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यही मेन होता है इसका डेफिनेशन। अब जैसे अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम डीएनए मॉलिक्यूल्स ले लिए, डीएनए हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए हो गए। अब हमारे यहाँ पे हो गए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार की हमारी ये प्रोटीन का काम करती है, प्रोटीन है। अगर हम डीएनए को आरएनए में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वह ये ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कब होगा, जब हम डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो वही हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होगा। और जब हम एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रक्रिया इस अकॉर्डिंग पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन ना काम करके हमारा ट्रांसलेशन काम करेगा। तब इसमें दोनों का काम अलग अलग है। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन ले लेंगे तो वो डीएनए को कन्वर्ट करेगा एमआरएनए में, और वही जगह अगर हम ट्रांसलेशन ले लें तो वो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, जो कि पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार की प्रोटीन है। उसके बाद हम इसमें और बताना चाहूंगा, जैसे कि होते हैं बाय द डिस्कवरी ऑफ रेप्लीकेशन, एक वर्ड आता है रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन क्या करता है, रेप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि जैसे कि हम डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिए, अगर वापस हम यही चाहें कि एम आर एन ए, अगर एक जगह हम एम आर एन ए लिख दें कि अगर हमको एम आर एन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, डीएनए में, डीएनए में, तो वो क्या होगा, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने पर ही हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन की प्रक्रिया तभी होती है जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे डीएनए पर, जैसे कि एमआरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के हमारे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया वहां पे एक्टिव होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए साफ साफ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसकी पहली बात तक खोज किसने किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, रेप्लिकेशन की। तो
तो एच एम टेमिन एंड डी बाल्टीमोर 1970 इन 1970 में इसको डिनोट किए थे मॉडिफाई द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा। किसके ओल्ड कॉन्सेप्ट या सेंट्रल डोगमा के पहले क्या थे, यानी कि पहले सेंट्रल डोगमा कौन किया था, व्हाट्सन क्रिक ने किए थे, यहाँ पे लिखा है एच एफ सी क्रिक ये किए थे। इसके बाद जो आए थे वो एच एम टेमिन एंड डी बाल्टीमोर 1970 में आए थे। सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट ओल्ड, तब पुराना हो चुका था, तब ये आए थे कॉन्सेप्ट करने के लिए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन फ्लो डीएनए टू डीएनए, डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने करने आए थे। तो इसमें क्या होता है, बी या बी में होते हैं जैसे कि रेप्लिकेशन। अगर हम करेंगे डीएनए टू एमआरएनए में, डीएनए को जब हम एमआरएनए में करेंगे तो क्या होगा, रेप्लिकेशन। और हम बता रहे हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए डीएनए, यानी कि एमआरएनए टू अगर डीएनए में होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो व्हाई द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एमआरएनए का, वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार की प्रोटीन होती है, हम बता चुके हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, सबसे पहले अगर हम एमआरएनए को डीआरएनए में, डी में करेंगे, हाँ, अगर हम एमआर मैसेंजर आरएनए को डीएनए में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अगर वही जगह पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए को अगर हम पॉलीपेप्टाइड में करेंगे, उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम बात यहां पे करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में आपको दिखाता हूं, ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया हमारा आरएनए, ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया आरएनए, और ये हो गया हमारे पॉलीपेप्टाइड। ये एक प्रकार की प्रोटीन है, मैं कई बार बताया। तो जब ये हम डीएनए को या आरएनए में सीधा लेके जाऊंगा एक एरो फर्स्ट वाला, तो समझ लीजिए कि ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन तब होगा जब हम सिर्फ इसको रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रांसक्रिप्शन ही रहेगा। और या आरएनए को हम ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन जाएगी। अगर हमको कोई कह दे, मान लीजिए आपको कोई कह दे रहा है कि हमको आप एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके दिखा दो, तो वही चीज उसी प्रक्रिया में हम इस प्रक्रिया को जो बॉन्ड लगा हुआ है इसको उल्टा करके लगाएंगे, इस तरीके से भी इस तरीके से लगाएंगे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा लेकिन वापस आ रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन। इसी प्रक्रिया को हम रेप्लीकेशन बोलते हैं। इसीलिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ कैसा हो गई, बताना चाहते हैं कुछ और निकल कुछ जाता। और जैसे कि हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए को अगर हम एमआरएनए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सीधी सी बात है ट्रांसक्रिप्शन से होगा। और जो एमआरएनए है, एमआरएनए को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड में, तो पॉलीपेप्टाइड पहली बात तो प्रोटीन एक हुआ है, ठीक है, इसमें हम जब कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे और ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे। तो हम अगर कोई मान लीजिए कोई आपसे कह दे, अच्छा सर हमको ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि डीएनए को अगर हम एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और अगर हम एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड करें तो वहां पे ट्रांसलेशन है। मान लीजिए अगर हम आपको एमआरएनए को डीएनए में सर कन्वर्ट कर दें, तो मान लीजिए हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई पूछ ले आपसे कि सर डीएनए को एमआरएनए में तो कन्वर्ट कर दी, अब एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करिए, तो अगर हम एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो रेप्लीकेशन प्रक्रिया के यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से वो वापस उसी प्रक्रिया में वो कन्वर्ट होगा, किसके, रेप्लीकेशन के अकॉर्डिंग से। यही चीज बहुत लोगों को बहुत कम समझ में आती, इसलिए मैं इसको कई बार बता चुका हूं। और इसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, जिससे हम आपको अच्छे से उसको बता सके। थैंक यू स्टूडेंट।